कॉन्सेप्ट पुराना ज़रूर है लेकिन तरा, तरीका समझाने का बिल्कुल नया हो सकता है अपने तरीके साथ समझाने वाला हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस भैया ये बेस है ऑप्शन ट्रेडिंग का इसके बिना ऊपर बढ़ ही नहीं सकते और इसमें बहुत कुछ है अगर आप इस बात पे कन्फ्यूज़ रहते हो कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे हमको कॉल लेना चाहिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे पुट लें ओ टी लें ए टी एम लेम ले ये नहीं समझ में आ रहा इंटरेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आज तक अगर प्रैक्टिकल वे में कहाँ यूज करें कैसे यूज करें नहीं समझ पाए तो आज समझा दूंगा आज आज तक अगर ये नहीं समझ पाए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सही पॉइंट कैसे पकड़े वो भी समझा दूंगा और ओपन इंटरेस्ट नहीं समझ में वो भी समझा दूंगा आज सब कुछ समझा दूंगा ओपन ऑप्शन एनालिसिस में यूं समझ लो पूरा कोर्स है ये आज घंटे भर का सेशन से पेशेंस लेके आना नहीं पेशेंस है तो आप प्लीज और पेशेंस है तो प्लीज आज समझाते हैं अच्छे से ऑप्शन चेन एनालिसिस ठीक है भैया क्योंकि ये कोर है आप कितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो कितना भी चार्ट एनालिसिस सीख लो कुछ भी सीख लो ये नहीं आया ना समझे में नहीं आएगा फिर तुक्के पे गेम गेम लगेगा अरे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा कौन ले ले कौन ले ले अरे घट रहा घट रहा घट रहे पुट अरे इसी में पैसों आपका जाता है छुट ठीक है ऐसा नहीं करना पूरा समझना है पूरा साइंस है ये और पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ डिस्क्लेमर ये भैया ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्की काम है यहाँ 90 परसेंट लोग अपना पैसा गवाते हैं लेकिन 10 परसेंट लोग पैसा कमाते हैं और जो 10 परसेंट लोग कमाते हैं वो अच्छा खासा बड़ा मज़ेदार कमाते हैं लेकिन वो क्यों कमाते हैं उनको अपने इमोशन पर कंट्रोल है वो सही नॉलेज लेके कमाते हैं और सही प्रैक्टिस के साथ काम करते हैं तब जाके वो कमाने की स्टेज में आते हैं लेकिन नाइन्टी लोग सर तुक्का तुक्के से ही करते हैं इसलिए वो अपना कैपिटल गवाते हैं ठीक है बढ़े आगे बढ़ते हैं आगे सर तीन चीजें मेजरली ऑप्शन ट्रेडिंग का सॉरी ऑप्शन ट्रेडिंग कहता हूं ऑप्शन का पर्पस है जब तक आप किसी चीज का पर्पस नहीं समझोगे अंदर घुसने का मन भी नहीं करेगा तो सर पर्पस ये है कि आपको सबसे पहले रेंज पता करने में मदद करता है रेंज क्या होता है रेंज जिसको पता करना नहीं आता सर वो ऑप्शन ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं सकता कभी नहीं कर सकता सर रेंज कुछ ऐसा है ऐसा आप देखते हो ना ये ऐसा 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 करके प्राइस होता है ये सर देखो हम हम अपना देसी भाषा में हम, हम इसको कहते हैं उपराव का और ये निचलऊ का लाइन ये उपराव का लाइन और का लाइन जिसने बनाना सीख लिया जिसने पॉइंट पकड़ना सीख लिया वो ऑप्शन ट्रेडिंग का बादशाह है सही कह रहा हूँ बाह अच्छा बादशाह बोलने का मतलब ये नहीं कि हमेशा हर ट्रेड सक्सेसफुल होगा है सर अगर अच्छा नॉलेज है अच्छा प्रैक्टिस है तो दस में से छः ट्रेड या सात ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है दो तो वह ट्रेड तो दो तो या तीन ट्रेड तो फिर भी फेल होंगे अगर आप अच्छे हो तब है बेसिक हो तो फिर एट्टी परसेंट ट्रेड आपका खराब ही होगा लॉस ही करोगे तो हम कह रहे थे भैया इसको ट्रेडिंग की भाषा में कहते हैं सपोर्ट इसको कहते हैं रेसिस्टेंस क्या कहते हैं इसको सपोर्ट और इसको कहते हैं रेसिस्टेंस मैं देखो भैया देसी देसी आदमी आदमी हूं और तो मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को अपनी ही भाषा में समझता हूं और अपनी भाषा में समझने का सबसे बड़ा फायदा यह मुझे मिलता है कि मैं उसको विजुअलाइज कर पाता हूं अपने दिमाग में उसकी पिक्चर्स अपने दिमाग में उसके वीडियोस दिमाग में क्रिएट कर पाता हूं मुझे हमेशा के लिए फिर वो याद रह जाता है देखो होता यह है कि जब किसी ये सब अंग्रेजों का भाषा है रेसिस्टेंस सपोर्ट कॉल पोर्ट ओपन इंटरेस्ट ये सब जापानी और कहाँ बनाया हुआ है तो दिक्कत ये है कि हम उन्हीं की भाषा में कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं जो कभी हो नहीं सकता सर बचपन से पले बड़े हो हिंदी में और अपना जो भाषा है मातृभाषा और अंग्रेजों की भाषा में सीखने की कोशिश करोगे तो आपको रटना पड़ेगा या तो आप अंग्रेजों की भाषा में उतने एक्सपर्ट होकर आपको रटने की जरूरत नहीं उसी भाषा में आप सोच पाते हो चूंकि अगर उस भाषा में आप सोच नहीं पा रहे हो तो सर अपनी भाषा में समझने की कोशिश करो फिर दिमाग के नसों तक घुसेगा नहीं तो फिर रटना पड़ेगा ना इसीलिए हम कहते हैं ये कौन सा पॉइंट है उपरहू का पॉइंट ये कौन सा है निचलहू का आप बोल लेना सपोर्ट असिस्टेंट आपकी मर्जी हमारे लिए तो उपरहू का निचलो का क्या है ये उपरहू का का छत पर अगर बॉल मारा जाए नीचे से रबर वाला क्या होगा सर जितनी तेजी से मारोगे उतनी तेजी से नीचे आएगा सर जमीन पर अगर बॉल पटकोगे जितनी तेजी से पटकोगे उतनी तेजी से ऊपर आएगा सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चलता है सर सर जब प्राइस बड़बड़ 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 ऊपर टकराता है ये छत है इस पर टकराएगा सॉरी तो नीचे जरूर आएगा इस पॉइंट पर अगर मुझे पता चल गया ये वो पॉइंट है जहां से टकरा के नीचे आएगा मैं इसी पॉइंट पर पुट लूंगा और अपना प्रॉफिट बनाऊंगा और आगे गिरते 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 जब मुझे समझ में आएगा ये वो पॉइंट है जहां से टकराएगा तो और ये वापस जाएगा तो यहां पर मैं कॉल लेकर अपना प्रॉफिट बनाऊंगा यही तो गेम है यही तो समझना आज हम समझेंगे इस पर कि कैसे ये रेसिस्ट ये रेंज हम पता करते हैं भैया रेंज क्या है आज का रेंज क्या रहने वाला है ऊपरों का पॉइंट और निचलों का पॉइंट ठीक है तो ये हम समझने वाले हैं। रेंज हो गया उसके बाद राइट प्राइस सर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ये सारा सही प्राइस का गेम है गलत प्राइस पे घुसोगे ना प्रॉफिटेबिलिटी या तो घटेगी या खत्म हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो आज के टाइम पे कोई आपको बोला जा रहा है दस लाख रुपए की जमीन है एक साल में यह जमीन तीन गुना रिटर्न दे देगी एक ही साल में क्योंकि कुछ होने वाला है डेवलपमेंट वहां पर और आपने कहा एक साल में तीन नहीं नहीं तीन गुना नहीं होगा आपने पूरा एक साल वेट किया और एक साल में देखा कि तीन गुना हो गई जमीन अब आपने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़ गया है तीन गुना हो गया चलो अब खरीदते हैं अब आपने खरीद लिया उस जमीन को तीन गुना बढ़ने के बाद और सोचा कि अब एक साल में और तीन गुना दे देगी लेकिन एक अगले एक साल में तीन गुना नहीं दे दिया आधा दिया उसने क्यों क्योंकि मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुका था उसी एक साल में अब ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप नहीं बचा तो प्रॉफिटेबिलिटी घट गई ना मतलब सही प्राइस पर घुसना जरूरी है सही प्राइस पर नहीं घुसे या तो प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी या खत्म हो जाएगी सर दस में से छह लोग सात लोग आठ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना सही प्राइस चुनना नहीं आता उनको आज बताऊंगा ना सही प्राइस कैसे चुनते हैं पीसीआर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा नए नए जो लड़के घुसते हैं ट्रेडिंग में उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये बता दूंगा इसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है सब बता दूंगा ठीक है तो बढ़े आगे बढ़ल जाए भैया आगे ये बेसिकली मेन चीजें हैं जो ऑप्शन एनालिसिस में हमारे को समझने की जरूरत होती है स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस ओआई चेंज इन ओवाई वॉल्यूम आईवी और टी का कन कंकम्बिनेशन इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू सर मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं चीज बहुत छोटी सी है समझना बहुत आसान है लेकिन समझा नहीं पाया लोगों तो समझ नहीं पाए और है बहुत जरूरी है लोग इसकी वैल्यू नहीं करते जानते नहीं स्किप कर क्या है इसी इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है इसका आज समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में मैं एल लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब जो प्रीमियम आप पे करते हो ठीक है भैया तो अब एक काम करते हैं सीधा हम चलते हैं जरा अपने एनालिसिस पार्ट वाले पर ये मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल रखा है आप गूगल में सीधा लिखोगे ऑप्शन चेन पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे सीधा यहीं आओगे उसमें आप निफ्टी हमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट करके बैंक निफ्टी हमने खोल रखा है ठीक है यहां पर ये जो देखो स्ट्राइक प्राइस है ना सर इसी स्ट्राइक प्राइस का खेल है सारा हमें यही चुनना होता है कौन से स्ट्राइक प्राइस का सही प्रीमियम में पे करके ज्यादा फायदा उठाऊं सारा खेल इसी का है जिसने ये चुनना सीख लिया उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी यही पूरा गणित है आज इस गणित को हम अच्छे से धो धा करके सीख जाएंगे ठीक है सीख ले तो अच्छा नहीं दिख रहा तो टेंशन मत करो जूम कर करके कर दिखाऊंगा सब कुछ पहली चीज ये स्ट्राइक प्राइस के बीच में मैं खड़ा हो जाता हूं बीच में मैं क्यों खड़ा हो गया हमारे साथ दो पार्टीशन है भैया इंडिया पाकिस्तान खड़ा है, है? इधर का अलग इधर का अलग ये कॉल है ये पुट है इसको चुनोगे आप तब जब आपका प्रोडिक्शन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस बढ़ेगा इसको चुनोगे आप तब जब आपका प्रोडिक्शन है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा प्राइस घटेगा तब जब जब तब तब आप पुट लेते हो अच्छा ये दो हो गए कॉल और पुट साथ में आज हम जो सेशन कर रहे हैं जो ऑप्शन एनालिसिस समझ रहे हैं हम बायर के परस्पेक्टिव से समझ रहे हैं हम आर आप रिटेलर बायर के हैसियत से ही घुसते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में क्योंकि सेलर्स के लिए तो भैया बड़ी औकात चाहिए करोड़ों या कई सौ करोड़ों का कम में भी हो जाता है लेकिन अच्छा सेलर अगर बनना है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो मोटा इन्वेस्टमेंट तो शुरुआत में हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट होता नहीं है छोटा हज़ार दस हज़ार बीस हज़ार पाँच हज़ार चार हज़ार तीन हज़ार से हम जब घुसते हैं तो हमारे को बायर बन के ही घुसना और कोई बुराई नहीं है बायर भी प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन सही जानकार इमोशन पे जिनका कंट्रोल है वो ठीक है अच्छा दो ही पार्टी हैं बायर और सेलर बायर है सेलर है सर बायर कैसे कमाएगा सेलर की जेब से पैसा निकाल के कमाएगा ये सेलर कैसे कमाएगा बाहर की जेब से पैसा निकाल के कमाएगा यानी कि कोई भी दोनों में से पार्टी कमाएगा तो एक दूसरे की जेब से पैसा निकाल के ही कमाएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों कमा ले और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों गवा ले एक कमाएगा तो एक गवाएगा एक गवाएगा तो दूसरा कमाएगा यही तो पार्टी अवेलेबल है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका सारा गलत मत समझना बेवकूफा और तीसरा ब्रोकर भी होता है आप ब्रोकर जिस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो भी अपना कुछ चार्ज लेता है ना ठीक है तो हम बायर हैं और बायर की है समझ रहे हैं आओ थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा पहले कॉल की साइड से समझा देता हूं सर सबसे पहले ना ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसका मतलब क्या है इन इन प्राइस पर अगर जाता है तो मेरा प्रॉफिट बन जाता है जैसे इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम पे करके मैं अगर कुछ ले लेता हूं कोई ऑप्शन या पुट ले लेता हूं तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी इस प्राइस का ले लेता हूं मैं उधर या इधर पे करके तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी है ना तो और इस इस पर जैसे अभी का जो स्पॉट प्राइस है चौवालीस के आसपास है ठीक है तो चौवालीस से सौ सौ के गैप पर है देखो चौवालीस हजार आठ सौ चौवालीस हजार सात सौ चौवालीस हजार छह सौ चौवालीस हजार पांच सौ निफ्टी पचास पचास के गैप पे होता है और बैंक निफ्टी सौ सौ के गैप पे इतना तो पता है ठीक है घटेगा तो इन इन स्ट्राइक प्राइस को टच करेगा ऐसा प्रोडिक्शन है बढ़ेगा तो इन इन स्ट्राइक प्राइस को टच करेगा ऐसा प्रोडिक्शन है और जिस प्राइस स्ट्राइक प्राइस का हमने प्रीमियम पे करके ट्रेड खरीदा है अरे कहां चले गए तुम भैया ऐसे नाराज हो गए क्या ट्रेड खरीदा है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बन जाएगी अगर वहां चला जाता है तो अच्छा चलो कहीं नहीं गया है अब जरा हम समझते हैं सर पहले हम लेते हैं जूम करके की साइड पुट को हमने हटा दिया सर सबसे पहले ये प्रीमियम हम समझेंगे अच्छे से क्योंकि खेल ही सिखा है एल जो आप देख रहे हो ना सर खेल ही सिखा है ये हम समझेंगे अच्छे से रुको पहले इस पर आएंगे सबसे पहले ये समझो ओ रेड ले लेते हैं ले लेना हाँ सर ये जो ओआई है ना ओपन इंटरेस्ट इसका बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में लोगों को ये लगता है कि ये जो इतने सारे ओवाई हैं कुछ लोग कहते हैं इतना सेलर ने बेच दिया सर बेच नहीं दिया सर ये डील ओपन है अभी मतलब क्या है समझाता हूँ जैसे सब्जी मंडी में जाते हो ना कोई आलू बेच रहा है कोई टमाटर बेच रहा है कोई प्याज बेच रहा है तो यहाँ दो सब्जी हैं एक सब्जी है कॉल दूसरा सब्जी है पुट यही दो सब्जी यहाँ पे बिकता है और जो कॉल बेचने वाले ये कॉल नाम की जो हमारी सब्जी है इसको बेचने वाले कितने डील ओपन है बेचने वाले कितने डील देखो मैं ज़्यादा टर्मिनोलॉजी भारी भरकम यूज़ करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता तो मैंने बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है डेरीवेटिव फालतू जी अंग्रेजों की भाषा नहीं हम डील समझ में आता भाई ये देश से ये कॉल की इतनी डील ओपन है ओपन कहने का मतलब बेचने के लिए तैयार हैं बिका नहीं है लोग कई बार गलत पढ़ा देते हैं बिक गया बेचा नहीं है अभी इतनी डील ओपन है सेलर है और हम जैसे बायर जैसे जैसे खरीदते जाएंगे ये डील क्लोज होती चली जाएगी ठीक अच्छा अब समझो हर एक स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग नंबर ऑफ डील्स ओपन सत्ताईस हजार तीन सौ पैंतीस डील ओपन है कॉल की मतलब इतने कॉल बिकने के लिए रेडी हैं हम जैसे बाहर जाएंगे और कॉल खरीदेंगे तो इसी का नंबर कटेगा कौन से स्ट्राइक प्राइस पर सर ये स्ट्राइक प्राइस है चौवालीस हजार चार सौ का इसी तरीके से ये वाला जो इतना डील ओपन है कौन सा स्ट्राइक प्राइस है चौवालीस हजार सात सौ का हर स्ट्राइक प्राइस का ऐसे ही अलग अलग है ठीक है तो ओ समझ में आता है ओपन इंटरेस्ट इतनी डील्स ओपन है बता रहा है कि इतनी सारी डील्स ओपन है अच्छा एक चीज और समझिए सर कॉल्स के साइड इतने डील सेलर ने ओपन कर रखे हैं अगर मैं देखूं ये एक लाख है बड़ा हैवी डील है भैया इतना मोटा डील इतना ज़्यादा एक लाख चौवन हज़ार डील्स कॉल के लिए ओपन है बिकने के लिए रेडी हैं तो इसका मतलब सेलर की वहाँ क्या मनसा है अच्छा पहली चीज़ तो ये मान के रखना सेलर बायर से हमेशा एक कदम आगे है, कारण क्या है उसको नॉलेज ज़्यादा है सिर्फ ये नहीं सर पैसा मोटा लेके बैठा है वो आप कुछ हज़ार में और वो कुछ करोड़ में लेके बैठा है तो मार्केट घुमाने की क्षमता उसके पास है वो कई बार वो सनी देवल में देखे छाती बिल्ली करके ऐसा हिमालय पर्वत घुमा दे गाड़ी घुमा दे ऐसा ही वो सेलर के पास क्षमता है पूरा मार्केट वो घुमा देता है ऐसा हाँ सही में पैसवा लेके बैठा है ना अपना पैसवा थोड़ी खराब करेगा वो करोड़ों लेके बैठा है आपके कुछ हजार के लिए वो करोड़ खराब करेगा तो अच्छा इतना जब वो डील लेके बैठा है तो एक चीज़ समझना ध्यान से कान और दिमाग इधर लेके आओ इधर लेके आओ इधर लेके आओ सर एक लाख चौवन हजार डील ओपन है कौन से स्ट्राइक प्राइस पर सर पैतालीस हजार के स्ट्राइक प्राइस पर इतना डील ओपन है इसका मतलब क्या समझ में आता है सर हम कॉल कब खरीदते हैं जब हमारे को लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और तभी हम कमाएंगे ना लेकिन सेलर कॉल कब बेचेगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल बेचेगा क्या वो तब तो वो लॉस में जाएगा ना क्यों लॉस में जाएगा क्योंकि हम प्रॉफिट मैंने बताया ना बायर कमाएगा तो सेलर लॉस में जाएगा सेलर कमाएगा मतलब बायर लॉस में है तो मतलब अगर आप चाहते हो कि भैया एक लाख चौवन हजार में बेच करके वो प्रॉफिट कमाए इतना ज्यादा माल लेकर के आया है मतलब बिकने वाला है तो इसका मतलब सेलर यहां से क्या करेगा मार्केट नीचे की तरफ लेके जाएगा बायर क्या सोच रहा है अरे इतना मार्केट बढ़ेगा मतलब चौवाले इतना ज्यादा है बेचने वाले तो मार्केट बढ़ना चाहिए और यही तो वो पॉइंट है जहां से मार्केट गिराएगा सेलर क्योंकि कमाई उसकी तभी है जब आपकी जेब से पैसा निकलेगा समझ रहे हो ना सर पुट कॉल हम खरीदते तब है जब हमारे को मार्केट लगता है ऊपर जाएगा लेकिन कॉल सेलर बेचेगा तब जब मार्केट वो गिराने की मनसा लेके बैठा है उसकी स्ट्रेटजी उसकी प्रोडिक्शन गिराने की है तो जब कॉल के साइड बड़ा नंबर है तो समझ लो उस जीज उस जगह से मार्केट गिरेगा फिर से बोल रहा हूं जब कॉल की साइड बड़ा नंबर है ओवाई में तो उस पॉइंट से मार्केट गिरेगा मतलब क्या समझ में आ रहा है गिरेगा कहां से गिरेगा छत पर बॉल छत पर बॉल मारा छत का बैरियर ये कौन सा पॉइंट हो गया सर अगर ये बड़ा नंबर मैं देख लू इसके आसपास देख लू अट्ठावन हजार साठ हजार इक्यानवे हजार कोई इतना बड़ा नंबर मुझे नहीं दिख रहा सबसे बड़ा नंबर यही दिख रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा वाला पॉइंट है जल्दी बताओ कौन सा वाला पॉइंट है इस जगह से मार्केट गिरेगा गिरेगा कौन से गिता है छत से छत से मतलब सर ये पॉइंट हो गया जहां से गिरेगा क्योंकि भयंकर सेलर है यहां पर भयंकर ये नंबर बता रहा है मुझे समझे ओआई क्या बताता है वाई ये बताता है अच्छा अब दूसरी चीज मेरे को ये पॉइंट ना ना? उठेगा मतलब वो वाला पॉइंट चाहिए जहां से अब मार्केट उठेगा तो मतलब उठाएगा कौन पुट वाली साइड पुट हम कब खरीदते हैं बायर कब खरीदेगा जब उसको लगता है मार्केट गिरेगा तब हम पुट ले लेते हैं और वो बेचने आए हैं वो बेचने कि अपना लॉस कराने आए तुमको लग रहा है मार्केट गिरेगा और तुम पुट खरीद ली और तुमको पुट बेच देगा वो आराम से और अपना लॉस करा के बैठ जाएगा वाह वाह वा, वा, बहुत बढ़िया तुम प्रॉफिट कमा लिया ना हमको लॉस हो गया बहुत बढ़िया ऐसा तो होगा नहीं ऐसा नहीं होगा ना उसको चाहिए प्रॉफिट करोड़ लगा के बैठा है वो आपका पांच सात हजार रुपये जो लेकर आए हो ना वो खींचना चाहता है इधर जिस स्ट्राइक प्राइस पर मोटा नंबर है ओवाई में सर वही पॉइंट है जहाँ से उठाएगा वो मार्केट क्योंकि पुट आपने खरीदा कब पुट जब गिरेगा लेकिन वो कब बेचेगा जब उसकी प्रोडिक्शन है कि मार्केट उठेगा तभी तो वो प्रॉफिट में जाएगा उसका प्रॉफिट जरूरी है उसके लिए है ना तो हम उसको समझेंगे ये हुआ सेलर का माइंडसेट समझना सेलर का माइंडसेट हम ओपन इंटरेस्ट देख के समझते हैं सर ठीक है आओ अब सॉरी अब इसी तरीके से हम जरा पुट की साइड चले जाते हैं सर पुट की साइड जरा देखो तो नंबर बड़ा नंबर किधर है अच्छा एक चीज और ध्यान देना सर मैंने कुछ किया यहां पर ध्यान से देखिएगा मैंने ये जो नंबर देखा ये नंबर देखा सर ये जो पीला वाला एरिया है उसके नीचे देखा मैंने हमारे को क्या देखना है रेसिस्टेंस टॉप वाला पॉइंट तो टॉप वाला पॉइंट मतलब ज्यादा प्राइस बढ़ती प्राइस प्राइस बढ़ रहा होगा स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा होगा तभी वहां से घिटेगा मतलब प्राइस नीचे की तरफ देखो बढ़ रहा है चौवालीस नौ सौ पैंतालीस 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 दो सौ पैंतालीस तीन सौ तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो अपने को ये जो पीली पीला वाला एरिया है ना क्या है पीला वाला एरिया आऊंगा बताऊंगा ये जो पीला वाला एरिया है उसके नीचे बढ़ते हुए देखना है तो उसके बाहर निकल के ही मैंने देखा ना एक लाख चौवन हजार वो पॉइंट है जहां से गिर सकता है अच्छा एक और नीचे बड़ा नंबर है एक चौदह ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है भैया पैंतालीस चार सौ पर है क्या नहीं नहीं पैंतालीस 500 सौ पर है मतलब यहां से भी गिर सकता है जिस मोमेंट यहां अगर टच करा तो यहां से भी गिरेगा ये भी पॉइंट है तो अगला रेसिस्टेंस वाला उपराऊ का पॉइंट ठीक है फिलहाल हम उसको पकड़ के चल रहे हैं अच्छा इसी तरीके से हमको पुट वाला देखना है तो पुट वाला मतलब पुट का ऊपर वाला नंबर देखें ना घटता वाला क्योंकि पुट भैया घटने वाला है ना जब मार्केट गिरता है तभी तो हम पुट खरीदते हैं तो मतलब हम घटने वाले पॉइंट के साथ देखेंगे ये पीले वाले एरिया में नहीं देखेंगे बताऊंगा ये पीला एरिया है रुको तो हम ऊपर वाली साइड में देखेंगे कि बड़ा नंबर किधर है बड़ा नंबर किधर है बड़ा नंबर किधर है भैया बड़ा नंबर किधर है किधर किधर यहाँ देखो एक बड़ा नंबर है सर ये एक सत्य पहले बड़ा तो कर लें आओ जी बड़ा नंबर किधर है बड़ा नंबर किधर है सर एक देखो ये बड़ा नंबर है एक उन्नासी और एक उन्नासी कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है चलो 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 सर चौवालीस पाँच सौ मतलब चौवालीस पाँच सौ पर गया तो यहां से मार्केट की मार्केट को उठने की उम्मीद है बड़ा वॉल्यूम है ना पुट के साइड है तो पुट ये कब बेचेंगे इनको प्रॉफिट कब होगा पुट पुट बेचने से? जब बायर का लॉस होगा लेकिन लेके बैठे भैया मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पर पूरी चाल है मार्केट को उठाने के ऊपर अच्छा इस स्ट्राइक प्राइस पर नहीं उठा तो एक, भी एक बड़ा नंबर है एक चार थोड़ा छोटा हो गया फिर उसके बाद देखो छोटे छोटे नंबर है ये फिर अच्छा नंबर है एक इकतीस लेकिन इससे छोटा यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे बड़ी चाल चल रही है यहाँ पे सबसे बड़ा गेम प्लान है यहां से मार्केट उठा बताने का सर अगर मुझे ये पता चल गया तो मेरे को दो पॉइंट मिल गए ना ऊपर ऊपर का पॉइंट पहले पता चल गया था अब निचलो का पॉइंट पता चल गया निचलो का मतलब क्या पता चला बॉटम मतलब यहां से प्राइस उठेगा इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर अगर टच करता है प्राइस मतलब मार्केट इस वाले स्ट्राइक प्राइस को टच करता है गिरते गिरते तो यहां से उठेगा और ऊपर हमने पहले डिसाइड कर लिया था वहां से गिरेगा तो हमने क्या सीख लिया हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना सीख लिया सुबह सुबह जब मार्केट में धंधे में दुकान खोलो ना सर आप सवा नौ बजे दुकान खोलते हो ना तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंट ढूंढ लो क्योंकि आपको दायरा पता चल जाएगा इसी दायरे में अपने को खेलना है अब जब दायरा पता चल गया तो उसका देखो फायदा क्या है आप इस चीज से बच जाओगे किस चीज से बच जाओगे जरा देखिएगा लोग गलती क्या करते हैं अब जैसे हमने दायरा कौन सा निकाला था कौन सा कौन सा एक सॉरी यहां लिख देता हूं मैं छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा कहाँ था एक उन्नासी यह है ठीक है तो एक उन्यासी के साथ कौन सा प्राइस है भैया ये ये अरे कहाँ गया ये चौवालीस पाँच सौ अच्छा और दूसरा हमने बड़ा नंबर एक चौवन देखा था तो एक चौवन मतलब पैंतालीस पाँच सौ तो मतलब आज का मेरा प्रोडिक्शन कह रहा है कि प्राइस भैया चौवालिस पाँच सौ से लेकर के पैंतालीस हजार तक पाँच सौ पॉइंट का मार्केट घूम सकता है आज ऐसा मुझे लग रहा है ये मेरी प्रोडिक्शन है तो जब मुझे यह पता चल गया कि इसी स्ट्राइक प्राइस पर रहने वाला है मैं कभी इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम पे करके खरीदूंगा क्या खरीदूंगा या पर सस्ते के लालच में अरे यहां बहुत सस्ता पड़ रहा है चौरासी रुपये पड़ रहा है तो इस वाला स्ट्राइक प्राइस का हम चौरासी रुपये हम खरीद ले गलती मैं करूंगा क्या नहीं करूंगा लोग करते हैं सर अरे बहुत सस्ता पड़ रहा है छियालीस रुपये यहां पड़ रहा है ले लेते यही ले लेते भैया लेके जाएगा तुम्हारा सेलर वहां जाना ही नहीं प्राइस वहां जब प्राइस जाएगा ही नहीं तो तुम्हारा पैसा कहां से आएगा पैसा लेके गया हो और बड़ा खेल है सर इस प्राइस में भी आ रहा हूं टाइम वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू सब बताऊंगा अभी आई टी एम ओ टी सब बताऊंगा रुको, तो अभी फिलहाल हम रेंज समझ रहे हैं जब मेरे को रेंज पता चल गया कि इसी रेंज में, में मेरे को खेलना है सॉरी ये भी ले लो इसी रेंज में मेरे को खेलना है मैं कभी ये सब प्राइस का या उसके नीचे के प्राइस का चुनूंगा ही नहीं ऑप्शन मैंने फिल्टर कर लिया अपने ऑप्शन को चुनने का चुनूंगा ही नहीं चुनूंगा तो पक्का लॉस है क्योंकि मैं प्रडिक्शन कर प्रडिक्शन किया मतलब मेरा गणित कह रहा है ना ये अच्छे गणित गे फेल भी हो सकता है खराब भी हो सकता है हो सकता है इससे ज़्यादा नीचे गिर जाए हो सकता है इससे ज़्यादा जा, ऊपर चले जाए हो सकता है पॉसिबिलिटी हंड्रेड परसेंट मैंने बताया ना शुरुआत में कभी भी हंड्रेड परसेंसेंट नहीं हो सकता लेकिन अगर आपको सही कैलकुलेट करना आता है ये दायरा निकालना आता है तो आपको दायरा पता चल गया खेलने का ठीक है तो दायरा पता चलने से अपने को ये भी पता चल गया किसके बीच का अपने को प्रीमियम चूज करना अच्छा प्रीमियम क्या होता है एल टी पी क्या मतलब है सर इसको बोलते हैं लास्ट एडेड प्राइस लास्ट एडेड प्राइस फिर अंग्रेजी फिर लास्ट एडेड प्राइस क्या होता है मारागोली सर फिनांस में ना बड़े उल्टे से टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं आम आदमी को लगे पता नहीं क्या है ये नहीं, नहीं नहीं छोड़ दो हमको फिनांस नहीं समझना हमको ट्रेडिंग नहीं करना अरे कुछ नहीं है ये आलू खरीदने के लिए जो पैसे हुआ देते हो ना बीस रुपये किलो आलू और दो किलो अगर लिया तो चालीस रुपये दोगे ना सर वैसे ही ये बीस रुपये है आप कहोगे हमको दो कॉल चाहिए हाँ दो कॉल तो नहीं मिलेगा लॉट मिलेगा लेकिन एग्जाम्पल बोल देता हूँ आप बोलो भैया एक कॉल है एक रुपए की हमको दो कॉल चाहिए तो दो रुपए पे कर देना आप कहो हमको चार कॉल चाहिए तो 220 सौ बीस इंटू दो चार पे कर देना हालांकि बैंक निफ्टी है तो 15 का लॉट हो गया है तो ये 110 का अगर आप 110 हम नहीं ले रहे हैं हम तो इसी बीच में ले रहे हैं तो दो वाला अगर आप ले रहे हो तो दो सौ करके जो पेमेंट बने वो पेमेंट आपको देना पड़ेगा इसी बीच का अब इसमें भी झोल है कि कौन सा चुने भैया चार पांच दायरा तो बता दिया इसमें चुने है? कौन सा है हार रुको ठीक है ठीक प्रीमियम पैसवा देना

शेयर नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली डील साइन होता है इतना तो आपको पता ही होगा नहीं बताओगे तो कमेंट में बताना ये भी समझा दूंगा अगले किसी वीडियो में पूरा दो तीन घंटे का पूरा सेशन है करके सबको समझा दूंगा जीरो से लेकर जेड तक जीरो से लेकर जेड तक नहीं जीरो से लेकर हंड्रेड तक ए से लेकर जेड तक ठीक है तो कहां थे हम तो हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑनट्रैक्ट हम नहीं बोल रहे हैं तो वही रिलायंस का शेयर अगर आप ऑप्शन में लेते हो तो आपको सिर्फ दो तीन हजार रुपए में काम हो जाता है सब देख रहे हो कितना सस्ता सस्ता है कितना कम प्राइस है इतने में काम हो जाएगा पहला चीज अपना क्लियर हो गया भैया रेंज अब हम आएंगे प्राइस पर अब जरा हम पहले चले जाते हैं अपने पीपीटी पर कहीं हम डायरेक्शन से भटक ना जाए पीपीटी बनाने का पर्पस यही है कि हम डायरेक्शन से ना भटके है कि नहीं ठीक है तो ये सब हमारे को सीखना है आओ। सर टू फाइंड द रेंज लिख दिया मैंने अभी वैसे बोल के समझाया और यहां पे लिख दिया हमने चेक फाइव सेवन रोज ऑफ पुट साइड ओटीएम साइड ओटीएम अभी आया नहीं हूं मैं आऊंगा उस पर ओटीएम साइड वेयर ओ इज हाइयर ओटीएम मतलब व्हाइट वाला पार्ट जो है और डेफ्थ में भी समझाऊंगा डोंट वरी सिर्फ इतना ही नहीं है डेफिनेशन ओटीएम मतलब जो व्हाइट वाला पार्ट था पुट के साइड का व्हाइट वाले पार्ट साइड जहां भी ओआई वाई हाइयर ओ का वहां पर ज़्यादा नंबर है सर उसको समझ लो वो सपोर्ट हो गया मतलब निचलऊ का पॉइंट और का पॉइंट के लिए आपको चाहिए रेजिस्टेंस ना तो पांच सात रोज़ चेक करो कॉल की साइड का ये भी ओ टीएम वाइट वाला पार्ट वाइट वाला पार्ट जहां पे ओ वाई ज़्यादा है आपको मिल गया रेजिस्टेंस सिंपल सा ये फॉर्मूला है सपोर्ट और रेजिस्टेंट फाइंड आउट करने का और ये बड़ा गेम है ये इसी पर बड़ा गेम होता है ठीक अब आओ ITM, OTIM, ATM इस पर आता है। सर मैंने देखो क्या लिखा है आईटीएम की डेफिनेशन अगर आप गूगल करोगे ना तो इन्वेस्टोपीडिया का लिंक आता है सर डेफिनेशन जरा समझना क्या है डेफिनेशन ऐसा डेफिनेशन है कि गूगल ट्रांसलेटर भी आप डालोगे ना उसमें डालोगे ना हिंदी में ट्रांसलेट करोगे नहीं समझ में आएगा बिल्कुल नहीं समझा और मैं अभी

सर दूसरे की भाषा में समझने का ये होता है कि समझे में नहीं आता अपनी भाषा मालूम क्या होता है आई का मतलब? का ये लो सर एक लाइन में। सर आईटीएम का मतलब होता है कॉल के केस में अगर आई की के डेफिनेशन आपको जाननी है तो वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से कम है सर यहां देखो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने ये स्पॉट प्राइस हो गया ना चौवालीस हजार नौ सौ अच्छा स्पॉट प्राइस नहीं बताया क्या ये जो करंट मार्केट प्राइस के सबसे नियरेस्ट है वो हो गया स्पॉट प्राइस और ये सारे हैं स्ट्राइक प्राइस ये सारे हैं स्ट्राइक प्राइस ठीक है चौवालीस हजार नौ सौ क्या मैंने क्या बोला कॉल अच्छा कॉल के लिए आईटीएम अलग होगा पुट के लिए अलग टी अलग होगा आईटीएम क्या होता है सर इन द मनी इन द मनी का मतलब क्या होता है वही तो हम समझ रहे हैं भैया वही समझ रहे हैं हम इन द मनी प्राइस जो हम प्रीमियम पे करेंगे ना ये वाला इसके टाइप है ये आउट ऑफ द मनी प्राइस इन मनी प्राइस एट द मनी प्राइस प्रीमियम तीन टाइप के होते हैं कैसे है, वो हम है। मतलब, प्राइस ये अपना चौवालीस नौ सौ से जितने कम है चौवालीस आठ सौ चौवालीस सात सौ चौवालीस छ सौ ये सब को कहते हैं इन द मनी सर इन द मनी का सीधा हिंदी में समझो इन द मनी मतलब मनी के अंदर मैं कहूं इन द रूम क्या मतलब होगा कमरे के अंदर इन द हॉल हॉल के अंदर इन द ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन द मनी मनी के अंदर सर यहां मनी का मतलब क्या है स्पॉट मनी स्पॉट मनी स्पॉट मनी स्पॉट मनी के अंदर मनी का मतलब स्पॉट मनी स्पॉट मनी के अंदर अंदर मतलब सारे अंदर वाले प्राइस अंदर वाले अगर दस हजार है तो दस हजार के अंदर का प्राइस क्या हुआ नौ हजार आठ हजार सात हजार छह हजार दस हजार के बाहर वाला प्राइस क्या हुआ ग्यारह हजार बारह हजार तेरह हजार ऐसे ही जब आप कहते हो कि आउट ऑफ आउट ऑफ द मनी तो आउट ऑफ द मनी क्या हो गया इसका चौवालीस नौ सौ नीचे का कॉल के केस में अच्छा पुट के केस में वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से ज्यादा है पुट के केस में आई क्या हुआ इन द मनी सर इन द मनी पुट पुट का मतलब नीचे जाता हुआ सर नीचे जाता हो मतलब समझ लो कि हिमालय पर्वत को उल्टा कर दिया आपने मतलब आप हम जो सीधा ऐसे है खड़े हैं ना आपको टांग उल्टा कर उल्टा कर दिया दुनिया उल्टी दिखेगी ना तो पुट के केस में जस्ट डिपॉजिट हो गया जो चीज हमारे को ऐसे 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 दिख रही थी अब पुट के केस में उल्टा हो गया ना वो ऐसे 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 ऐसा दिखेगा तो पुट के केस में हो क्या होगा वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से ज्यादा है इट पॉस प्राइस से ज्यादा है ये सारे क्या हो गए इन द मनी पुट के लिए पुट वाला सेक्शन इधर है इसीलिए इसमें हाईलाइट करके रखा हुआ है सर इसके नीचे देखो सारे प्राइसेस के सामने देखो क्या है येलो पार्ट में कर रखा है येलो पार्ट कहने का मतलब आपको समझाने वाले समझाया भी होगा कि येलो पार्ट सारे इन द मनी आप समझ में आया क्यों येलो पार्ट है सर स्पॉट प्राइस से बाहर जितने हैं वो पुट के लिए इन द मनी है लेकिन कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी है बढ़ता 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 अभी समझा ना दस हजार के अंदर इन द मनी दस हजार के बाहर आउट ऑफ द मनी कॉल के लिए अच्छा उल्टा पुट के लिए पुट के लिए क्या होगा दस हजार के अंदर क्या है तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा अच्छा दस हजार के बाहर मतलब ग्यारह हजार बारह हजार तेरह हजार वो क्या होगा वो इन द मनी हो जाएगा पुट का खेल उल्टा है ना समझ आया समझ आएगा नहीं डेफिनेशन की धच्चियां उड़ा दी हमने अंग्रेजी फारसी जापानी डेफिनेशन की हमने धच्चियां उड़ा दी देसी भासी भाषा जिंदाबाद भारत माता की जाये मस्त अरे अपने भाषा जैसा कुछ है ही नहीं इतना आसानी से समझ में आता है आदमी अंग्रेजी फारसी शूटिंग स्टार और कभी कैंडल स्टिक वाला एक सेशन किया था ना भाई सब जनरली क्या होता है किसी भी वीडियो सेशन में एक परसेंट तो नेगेटिव कमेंट होते हैं सब के होते हैं चाहे कितना भी बढ़िया हो शाहरुख खान के भी हेटर्स होते हैं पीएम मोदी के इनहेटर्स हैं सब के होते हैं तो अपने भी कुछ है सर उस वीडियो के अंदर मैं अभी परसों तक देख रहा था लेटेस्ट मुझे नहीं पता कोई आ गया नेगेटिव तो एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है सर कैंडलस्टिक वाला वीडियो देखना एक भी नहीं है सब ने कहा क्या समझाया सर आज तक कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे कोई समझाया नहीं था इतना आसान लैंग्वेज में मैंने रटवाया नहीं है सारे नाम को बाईपास कर दिया है शूटिंग हैंगिंग भेंगिंग नाम से मतलब नहीं है रटना नहीं है उनकी भाषा में नहीं रटना अपना देसी भाषा में समझना है समझा दिया लोग खुश हो गए मजा आ गया उनको ऐसे इसमें मजा नहीं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे लिख करके बताओ कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है तो मुझे मजा आता है जब आपको मजा आता है तो ठीक इन द मनी समझ आया कॉल के लिए इन द मनी क्या है दस हजार से अंदर सारे इन द मनी दस हजार के बाहर आउट ऑफ द मनी ऐसे ही पुट को उल्टा कर दो तो दस हजार के अंदर आउट ऑफ द मनी हो जाएगा दस हजार के बाहर वो इन द मनी हो जाएगा ठीक है इसमें दर्शाया हुआ है येलो में जितना येलो वाला आप देखते हो कॉल की साइड ये है ना कॉल की साइड तो ये इन द मनी हो गया तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया देखो ना चौवालीस हजार नौ सौ अंदर सारे इन द मनी चौवालीस हजार नौ सौ बाहर सारे आउट ऑफ द मनी और पुट के साइड जस्ट उल्टा चौवालीस हजार नौ सौ से बाहर सारे इन द मनी हो गए पुट के लिए और चौवालीस हजार नौ सौ से अंदर सारे आउट ऑफ द मनी हो गए उल्टा कितना आसान है आई टी एम ओ टीएम अच्छा एक और प्राइस होता है इन द मनी प्राइस ऑप्शन के अलावा आउट ऑफ द मनी प्राइस ऑप्शन के अलावा एट द मनी प्राइस ऑप्शन क्या होता है एट द मनी प्राइस क्या होता है भैया, आ, आ आ गए गए। ना तुम? ठीक है, सर, मनी प्राइस एक ही रो सिंगल रो बस इसका ऊपर नीचे का कोई हिसाब किताब नहीं है सही ले लिया ना थोड़ा इधर उधर हो गया तो एट सर अंग्रेजी वर्ड पकड़ो मैं कहूं आई एम सिटिंग एट दिस चेयर एट दिस चेयर ऐसा हो सकता है कि एट दिस चेयर जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बाजू में बैठा हूं सड़क के थोड़ा चेयर के इधर बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं एट द चेयर ना ना एट द मनी एट द चेयर मतलब एट द चेयर एग्जैक्ट उसी पोजिशन पर एट का मतलब एग्जैक्ट इधर उधर नहीं इन का मतलब क्या बहुत सारे इन हो गए इन द मनी जब बोला तो बहुत सारे जितने अंदर हैं आउट ऑफ द मनी मतलब बहुत सारे जितने बाहर हैं लेकिन एट का मतलब तो एक ही एट का मतलब तो एक ही तो का मतलब एक ही एक ये वाला बस ठीक है स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम है वो एट द मनी प्रीमियम है इन द मनी ये सब आउट ऑफ द मनी ये है अब सवाल उठता है कौन सा हमारे को लेना चाहिए अरे बाप बाप रे समझते हैं कौन सा हमारे को लेना चाहिए मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तभी मैं आगे बढ़ूंगा कमेंट कमेंट पढ़ो कमेंट पढ़ो आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा तो रोक दो सेशन आगे नहीं बढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम क्या कर लोगे अरे बताओ चलो कोई नहीं अब आगे बढ़ते हैं बाद में लिख देना <coughs> अरे यार क्या हो गया टच 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 ये बोर्ड भी कह रहा है जरा जरा टच में टच में टच में कर रहे हैं जरा जरा टच में टच में टच में ठीक है ऐसे ही ओटीएम ओटीएम का जस्ट अपोजिट आई टी का जस्ट अपोजिट जो हमने बताया ए टी एम सिर्फ वो प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस के साथ दिखता है इसी को एटीएम कहते हैं अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल इन द रूम वाला बोल करके किया था ठीक है आगे बढ़ो अब समझो सर प्राइस का खेल हा 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 बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है पेन ले लू बात कुछ ऐसी है सर वो जो प्रीमियम आप देखते हो ना ऐसा कॉलम में एल इधर 250 110 60 ऐसा देखते तो हो ना वो जो एल लास्ट एडेड प्राइस में दिख रहा था सर ये जो साठ रुपए है ना ये साठ रुपये दो पार्ट में बटा होता है एक पार्ट को कहते हैं टाइम वैल्यू दूसरे को कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू फिर अंग्रेजी आ गया कंफ्यूज हुआ क्या कोई बात नहीं हम आए ना समझाते हैं इंट्रेंसिक का मतलब होता है आंतरिक आंतरिक वैल्यू अगर ये साठ रुपए प्रीमियम हम पे कर रहे हैं तो इस साठ रुपए का जो दो पार्ट है थोड़ा पार्ट है टाइम वैल्यू थोड़ा पार्ट है इंट्रेंसिक वैल्यू अब कौन सा क्या है कितना है और क्या फायदा है क्या रेलिवेंस है सब समझाते हैं सबर करो तो बात क्यों है सर इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है आंतरिक वैल्यू रियल वैल्यू और टाइम वैल्यू का मतलब होता है उसका समय अंतराल का वैल्यू आप इसको इस तरीके से लो जैसे हम कहावत कहते हैं ना टाइम इज मनी सर रियल लाइफ में तो लोगों को समझ में नहीं आता टाइम इज मनी यहां पे टाइम इज मनी टाइम इज मनी का रियल एग्जांपल समझ में आएगा सर आज जो आपने साठ रुपए पे करके खरीदा ना कोई ऑप्शन साठ रुपए पे करके जैसे जैसे समय बीतेगा आपका टाइम वैल्यू वाला पार्ट घटता चला जाएगा हम मान लेते हैं इस साठ रुपए में आपका बीस रुपए टाइम वैल्यू है और चालीस रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू ऐसा हमने मान लिया अभी कैलकुलेशन हम देखेंगे कि निकालते कैसे हैं लेकिन हमने फिलहाल मान लिया मान लिया हमने चालीस रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू है और बीस टाइम वैल्यू है तो सर जैसे जैसे समय बीतेगा ना आपने दोपहर को बारह बजे ले लिया शाम के चार बजे तक ये बीस रुपये पता चले सोलह रुपये हो चुका होगा और एक्सपायरी के दिन घटते 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 ये भाई साहब हो जाएंगे जीरो समय बढ़ते बढ़ते सर यहां समय ही पैसा है समय बढ़ते 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 ये जीरो हो जाता है लेकिन ये नहीं घसकेगा ये रहेगा चालीस ये फिक्स है भैया आप इसको जनरल भाषा में कुछ ऐसा समझ सकते हो बॉडी हमारा जैसा बॉडी होता है एक तो बॉडी है और दूसरा बॉडी का व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व कभी नहीं मरता कहते हैं जैसे गांधी जी का व्यक्तित्व कभी नहीं मरा आज तक जिंदा है आज तक हम उनकी बातें करते हैं आज तक वो नोट पे हैं विवेकानंद का व्यक्तित्व कभी नहीं मरा आज तक वो जिंदा है शरीर मर गया उनका गांधी जी का शरीर मर गया टाइम डिके सॉरी बॉडी डिके हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम बीस की उम्र में जो शरीर है चालीस की उम्र में वो शरीर तो नहीं रहेगा थोड़ा सड़ चुका होगा साठ की उम्र में वो शरीर तो नहीं रहेगा सड़ चुका होगा हाँ लेकिन व्यक्तित्व हमेशा के लिए रहता है

एल टी है सर किसका इन सॉरी इन द मनी इसके जस्ट अपॉजिट कौन सा मनी है आउट ऑफ द मनी ओ टीएम लिख देते हैं सर अगर मान लो ओ टी एम में भी ऐसे ही प्राइस है कुछ दो सौ पचास रुपए एक सौ दस रुपए साठ रुपए ऐसा मान लेते हैं ओ <laughs> में ये इंट्रेंसिक वैल्यू होता ही नहीं है सर मतलब उसकी रियल वैल्यू जो व्यक्तित्व की वैल्यू है जो अजर अमर है एक्सपायरी तक वो होता ही नहीं है ओ में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है तो यहां जो साठ रुपए आप देख रहे हो ना सर ये पूरा टाइम वैल्यू ही है और टाइम वैल्यू का सबसे बुरी बात क्या है यह घटता रहता है मार्केट अगर अप डाउन ज्यादा नहीं हो रहा साइड वे साइड वे साइड है तो आपका प्रॉफिट लॉस तो कुछ हो नहीं रहा है आपका ट्रेड तो खराब हो रहा है साथ में टाइम वैल्यू घटता चला जा रहा है और टाइम वैल्यू मतलब पैसा ये साठ रुपए उनसठ होगा अंठावन होगा पचास होगा चालीस होगा तीस होगा और एक्सपायरी तक जाते जाते जीरो हो जाएगा अब मुझे आप ही बताओ सर एक है आई टी एम शरीफ सा बढ़िया इसका व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहने वाला और एक है ओटीएम राक्षस है जो जिसका सिर्फ बॉडी है आत्मा तो है ही नहीं अजर अमर वाला कोई हिसाब किताब नहीं है जब तक जिंदा है वो काम कुम करेगा मरने के बाद उसको कौन याद रखने वाला तो ये अपने टाइम अंतराल में रह के मर जाएगा इसका खेल खत्म हो जाएगा ये साठ रुपए जीरो हो जाएगा और वही एक्सपायरी तक मान लो अगले चार दिन बाद एक्सपायरी है तो अगले चार दिन बाद ये ओ टीएम ओ टी पी लिख दिया क्या अरे ओ टी पी नहीं है हो जाएगा जीरो लेकिन यह कम से कम चालीस रुपए बचा रहेगा अब आपसे ही सवाल पूछता हूं कि आपको अगर चूज करना है ऑप्शन प्राइस कौन सा चूज करोगे इन द मनी प्राइस ऑप्शन पे खरीदोगे प्रीमियम दे करके या ओ आउट ऑफ द मनी खरीदोगे बताओ 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 जाहिर सी बात है इन द मनी खरीदना चाहोगे क्योंकि यहां कम से कम चालीस तो बचेगा भैया यहां तो वहां तो घट जा रहा है इसका मतलब समझो क्या आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट घट जा रहा है आप कुछ ऐसा समझो कि आपने कोई जमीन खरीदा दस लाख रुपए देकर के और पता चलता है दो महीने बाद वो दस लाख रुपए सात लाख रुपए हो गया मतलब दस लाख रुपए पर जो प्रॉफिट बनने वाला था अब वो प्रॉफिट सात लाख रुपए पर बनेगा तीन लाख रुपए हवा हो गया गायब और दो चार महीने रुक गए तो पता चला चार लाख हो गया बाकी और छह लाख रुपए टोटल गायब बिल्कुल यही हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में ये टाइम वैल्यू यही करता है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट घटा दिया यानी कि हम मान लें कि 44,000 हजार के स्ट्राइक प्राइस पर आपने ये ओ खरीदा मैं नहीं ओ टी वाला है तो ये मान लेते हैं कि आपने 44,000 हजार के स्ट्राइक प्राइस पर ये वाला ओ प्राइस प्रीमियम पे करके खरीदा और आप इस उम्मीद में हो कि सुबह लिया शाम तक एक्सपायरी का दिन है मान लेते हैं सुबह लिया शाम तक हो जाएगा प्रॉफिट लेकिन शाम तक तो ये जीरो हो चुका है यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो जीरो हो चुका है अब अगर वो चौवालीस हजार के स्ट्राइक प्राइस पर पहुंच भी गया तो भी आपके हाथ में समझ गए ना कुछ नहीं आने का आप कहोगे अरे उन्नीस चौवालीस हजार के पॉइंट पर चला गया हम लगाए थे पैसा हम ओटीएम में लिए थे हमको पैसे दो हमको प्रॉफिट हो रहा है सेलर कहेगा कौन सा प्रॉफिट भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है कहां बोलो ये हम दिए हैं देखो मेरा जो लिखा हुआ है इसमें जीरो हो चुका है वो कुछ नहीं है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट ही गायब हो चुका है तो काहे को ले हम ओटीएम नहीं लेंगे तभी तो कहते हैं ओटीएम नहीं लेने का कभी भी आउट ऑफ द मनी जाकर के आउट ऑफ द मनी कभी ऑप्शन खरीदना ही नहीं आज के बाद क्या नहीं करना एक लेसन मिल गया ना आउट ऑफ द मनी नहीं खरीदना पूरा समझा के बताया ऐसे नहीं बताया समझ में आया कि नहीं इन द मनी हम खरीदेंगे इन द मनी में भले टाइम वैल्यू हमारा घट जाएगा लेकिन ये तो रहेगा ना चौवालीस हजार का स्ट्राइक प्राइस पर जाते ही भले कम प्रॉफिट हो जाएगा ये बीस वाला इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा भले कम हो गया लेकिन रहेगा ना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जीरो तो नहीं होगा समझे तो इसीलिए आई लेते हैं अब समझ में है कौन सा प्राइस लेना चाहिए हमारे को आई लेना चाहिए अच्छा लेकिन तीसरा एक और भी तो है ए एट द मनी प्राइस ऑप्शन उसका क्या उसका भी बता देता हूँ पहले फॉर्मूला समझते हैं फिर फिर द प्राइस ऑप्शन समझ समझ में आएगा। समझ में आएगा, ठीक। और हमें को नहीं लेना। क्योंकि वो टाइम वैल्यू है पूरा घटता चला जाएगा मेरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा मैं आई टी एम लूंगा कम से कम मेरा एंट्रेंसिक वैल्यू तो बचेगा है ना ठीक कैलकुलेशन समझ लेते हैं, बेसिक्स सा है। प्रीमियम प्राइस जो है जैसा मैंने यहां पे लिखा है प्रीमियम प्राइस इंटरनल वैल्यू लो रियल वैल्यू लो आंतरिक वैल्यू बोल लो मतलब जो अजर अमर है एक्सपायरी तक एक्सपायरी तक उसको हिला नहीं सकता ये नकारा निकम्मा ये खत्म हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये ठीक तो ओ में

अच्छा अच्छा मैं ले रखा है। ये, अच्छा, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग so याद रह जाए ओटीएम प्रीमियम हैज नो इंटरसिक वैल्यू बट इट हैज ओनली टाइम वैल्यू जो बता चुका हूं मैं आई टी एम एंड आई टी एम एटीएम प्रीमियम हैज बोथ टाइम वैल्यू इन इंटरसिक वैल्यू इस पर एटीएम पर अभी आएंगे इज प्राइस जब भी खरीदना खरीदना हो ITM ही है अपने को टाइम वैल्यू कीप्स डिक्रीजिंग बट वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम टाइम वैल्यू घटता चला जाता intrinsic value same है इंटरेंसिक वैल्यू सेम रहेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला फॉर्मूला फॉर कॉल कॉल के लिए अगर आपको इंटरेंसिक वैल्यू निकालना है तो इंटरेंसिक वैल्यू कॉल के लिए सर करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कॉल के लिए कॉल के लिए अलग है

ब्लैक uh, ले लेता हूं या रेड ले लेता हूं ठीक है मेरे को ये जानना है चौवालीस हजार आठ सौ अठहत्तर कितना था चौवालिस हजार आठ सौ अठहत्तर था ना तो चौवालीस हजार आठ सौ अठहत्तर के साथ मेरे को जानना है चौवालीस हजार आठ सौ के स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम है कितना प्रीमियम है सर दो सौ अट्ठासी रुपए मुझे जानना है कि इसमें कितना टाइम वैल्यू है और कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है यह मुझे जानना है तो सर सीधा सा फॉर्मूला है आईवी निकालने का इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने का इतना माइनस आप इतना कर दो चौवालिस आठ सौ तो क्या निकला सेवेंटी एट तो अठहत्तर रुपए इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है सर अठहत्तर रुपए इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है बाकी जो बचा हो टाइम वैल्यू हो गया ठीक है अच्छा इसके नीचे जो आप दिख रहे हो सारे टाइम वैल्यू है सिर्फ टाइम वैल्यू है ये सब घट के जीरो हो जाएंगे तो इसलिए व्हाइट वाला जितना प्राइस आपको दिख रहा है वो लेना ही नहीं यही चीज पुट में भी जितना व्हाइट वाला दिख रहा है वो लेना ही नहीं और ये लेना है, है इंट्रेंसिक वैल्यू तो रहेगा जिंदा ठीक समझ में गया सिंपल फॉर्मूला अब ए टी एम भी समझ लेते हैं सर ये जो एटीएम है चौवालीस हजार नौ सौ चौवालीस हजार फॉर्मूला क्या था करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस मैं चौवालीस हजार नौ सौ चौवालीस आठ सौ पचहत्तर आठ सौ अठहत्तर माइनस चौवालीस नौ सौ करूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी ना ये यही ज्यादा है और माइनस में जब वैल्यू आ रही तो समझ जाओ वो क्या है वो भी जीरो क्योंकि माइनस जैसा कुछ होता नहीं है यहां पर माइनस होगा या जीरो होगा माइनस का मतलब ही जीरो समझ लो तो सर इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू भी जीरो हो गई ये जो हम कौन सा देख रहे हैं चवालीस हजार नौ सौ दो सौ बत्तीस रूपए जो दिख रहा है ना आपको सर ये दो सौ बत्तीस रूपए टोटल टाइम वैल्यू है टाइम वैल्यू है मत लेना टोटल टाइम वैल्यू है अच्छा कई बार ये कम भी होता है जैसे स्ट्राइक प्राइस आठ सौ अठहत्तर है तो स्ट्राइक प्राइस आठ सौ भी हो सकता है उस समय कम आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब उतना सा टाइम वैल्यू उतना सा एंट्रेंसिक वैल्यू अभी के केस में तो पूरा टाइम वैल्यू नहीं लेंगे मैं लूंगा सिर्फ ऊपर वाला अच्छा ऊपर वाला कहां तक लूंगा यहां जाके लूंगा क्या बताओ तो यहां जाके लूंगा क्या यहां जाके लूंगा अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना सर रेंज अपना रेंज कहां तक अगर यहां तक निकला है तो यहीं तक का कर चूज करूंगा मैं ऊपर का को जाऊं ऊपर प्राइस जाना ही नहीं है ना मजेदार पहले रेंज निकालो फिर सही प्राइस चुनो खेल हो गया ठीक है समझ में आ रहा है तो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे एटीएम भी अपने को समझ में आ गया आईटीएम भी समझ में आ गया ओटीएम भी समझ में आ गया ओ भी समझ में आ गया स्ट्राइक प्राइस भी समझ में आ गया अच्छा साथ में एक चेंज इन ओ जरूर देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चेंज इन ओ क्या है यहां पे देखो सर माइनस बयालीस हजार पाँच सौ यानी कि इतना ये जो प्राइस हुआ है इसमें माइनस बयालीस हो गया है माइनस बयालीस मतलब बयालीस हजार सेलर्स भाग गए बयालीस हजार डील्स बंद कर दिए नहीं बेचेंगे भैया हम नहीं बचेंगे मार्केट में इसकी डिमांड नहीं हम बेचेंगे हम जा रहे हैं अपना आलू का बोरिया लेकर के हम घर जा रहे हैं वही हाल हुआ इसको लग रहा है अरे इस स्ट्राइक प्राइस पर गड़बड़ है हम नहीं बेचेंगे हम जा रहे हैं तो अपना निकल लिया बोरिया बांध करके ठीक अच्छा प्लस कई बार देखोगे आप देखोगे जैसे आप इस स्ट्राइक प्राइस का एग्जाम्पल ले लो पचपन हजार पचपन हजार प्लस पचपन हज़ार प्लस मतलब पचपन हज़ार इस स्ट्राइक प्राइस पर आ गए इसका मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है अच्छा यहां से मार्केट गिराया नहीं की प्लानिंग है तभी तो पचपन हज़ार डील यहां पे आई है हो सकता है यहां से शिफ्ट होके आई हो हो सकता है या नहीं आई हो ये भी हो सकता है लेकिन जब नहीं आई है तो ये ध्यान रखना सिर्फ ओवाई मत देखना ओ में कितने भागे और कितने आए उसका भी बीच बीच में ध्यान देते रहना जितने आए मतलब वो और स्ट्रोंगर हो रहा है समझे और जितने भगे मतलब वो कमजोर हो रहा है वो वाला स्ट्राइक प्राइस ठीक तो भैया इतना तो हमने समझा दिया और इसमें कुछ बचा क्या इसमें कुछ नहीं बचा है अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए ये हमने समझा दिया अच्छा फॉर्मूला फॉर पुट पुट के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा पुट के लिए क्या होगा माइनस स्ट्राइक प्राइस हम कॉल में कर रहे थे स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस हो जाएगा क्योंकि पुट का मतलब नीचे की साइड बढ़ता हुआ चौवालीस हजार सात चौवालीस हजार कितना था अरे भूल जाता हूं मैं यार मुझे समझने में मजा आता है याद रखने में नहीं चौवालीस हजार आठ सौ था ना तो चौवालिस हजार नौ सौ पैंतालीस हजार पैंतालीस हजार एक सौ तो स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंट प्राइस क्योंकि स्ट्राइक प्राइस उस केस में ज्यादा होगा पुट के केस में तो माइनस करेंट प्राइस वो आई भी निकल जाएगा सिंपल इजी कितना आराम समझ गए आज से पहले कोई समझाया था इसे टाइम वैल्यू इंटरेंसिक वैल्यू जरा बताओ तो इतना आसान से आज से पहले कोई समझाया था आई टी एम ओ टी एम आई और अरे आई टी एम ओ टी एम ए टी एम ऐसा कोई समझाया था बताओ मुझे मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता आज से पहले कोई इतना क्लियर करके ऐसी इस भाषा में समझाया कोई इतना एकदम खोल करके बताओ यार मुझे बताओ मुझे भी फीडबैक चाहिए कि सही समझा रहा हूँ नहीं समझा रहा हूँ मैं चलो आगे बढ़ो इंपैक्ट ऑफ इंट्रेंसिंग वैल्यू एंड टाइम वैल्यू क्या इंपैक्ट भैया देखो जब मार्केट साइडवेज चलता जाए देन धीरे धीरे ओटीएम प्रीमियम डिक्रीजे होते हैं होते होते जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी तक ये तो हमने बात कर ही लिया ओटीएम अगर खबर खरीदा आपने तो एक्सपायरी तक वो जीरो हो जाएगा साइडवेज चलता रहा तो नहीं भी चलता रहा तो भी वो जीरो हो जाएगा घटेगा साइडवेज चलता रहा तो जल्दी वो जीरो होगा बट ए एंड आई कभी जीरो नहीं होंगे ए के केस में हमने बताया ना कभी जीरो होंगे कभी कभी अगर सिर्फ उसमें टाइम वैल्यू है तो लेकिन कभी अगर टाइम वैल्यू वैल्यूसिक वैल्यू दोनों है तो वो जीरो नहीं नहीं होंगे होंगे उसके लिए लिखा है पे कभी जीरो टाइम वैल्यू खत्म हो जाए बट इंटरेंसिक वैल्यू हमेशा रहेगा होल्ड करने वाले ट्रेडर्स ही इसका असली फायदा समझ पाएंगे अच्छा हा, हाँ यहां पर बहुत सारे लोग इंटरेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की कदर ही नहीं करते मतलब उनको नहीं समझ आ रहा साल भर हो गया ट्रेडिंग करते हुए पूछो इंटरेंसिक वैल्यू जरा समझाओ तो नहीं समझा पाएंगे दो तो चार डेफिनेशन मार देंगे वो यूट्यूब से देख देख कर लेकिन समझा नहीं पाएंगे और जब समझा नहीं पा रहे हैं मतलब वो यूज़ नहीं करते कारण क्या है सर अगर आप स्कैल्पर हो स्कैल्पर का मतलब दस सेकंड में बाहर निकलने वाले बीस सेकंड में बाहर निकलने वाले हो तो टाइम वैल्यू इंटरेंसिक वैल्यू आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है क्यों जरूरत नहीं है सर ये उनके लिए है जो पोजिशन होल्ड करके रखते हैं या दो चार घंटे के लिए अभी पोजीशन बनाया अब तीन चार घंटे तक मार्केट में देख रहे हैं क्या चल रहा है या अभी पोजीशन बनाया दो तो तीन दिन के लिए सेट होकर के आए हमको तीन दिन बाद चार दिन बाद स्क्वायर ऑफ करना है तो वहां पर जिनको रुकना है मार्केट में तो टाइम वैल्यू वो देखेंगे क्योंकि टाइम वैल्यू मेरा कितना है इसमें घटता रहेगा तीन दिन उनको रुकना है ना मार्केट में वो जो ट्रेड लिए है वो तीन दिन, दिन तक रहेगा तो तीन दिन, दिन तक रहेगा तो टाइम वैल्यू तो तीन दिन में घटता रहेगा तो वो देखेंगे भैया टाइम वैल्यू किसमें कम है मैं वो वाला खरीदूंगा क्योंकि उनको तीन दिन रुकना है लेकिन जिसको अभी घुस के दस सेकंड में निकल जाना है वो टाइम वैल्यू कितना कम हो जाएगा दस सेकंड में थोड़ा सा बहुत मायनर सही लेगा तो उनको टाइम वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू समझ आता भी नहीं और समझ में आने की जरूरत भी नहीं है किन के लिए टाइम वैल्यू इंटेंसिक वैल्यू कितने किन के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्कैल्पर्स हैं वो सेकंड में खेलने वाले हैं लेकिन जो घंटों और दिनों वाले हैं तो वो तो खास करके इसका ध्यान रखेंगे इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा उनका ठीक है होल्ड करने वाले ट्रेडर्स ही इसका असली फायदा समझ पाएंगे जैसा मैंने बताया स्कैल्पर्स को इसका मतलब कभी समझ नहीं आएगा कभी समझ नहीं आएगा ये कहना गलत है समझने की उनको जरूरत नहीं है ये सही लाइन है ईगो पे मत मतलब नरे हमको कैसे नहीं आएगा हम स्कैल्पर हैं क्या बात बोल दी आज के बाद इनका वीडियो नहीं देखेंगे मैं डिसलाइक करो चलो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कभी समझ नहीं आएगा कहने का मतलब कभी समझने की जरूरत नहीं है अरे समझ आप एक्सपर्ट हो आप ऐसा नहीं हो ठीक है चलो बढ़िया बात बोल दिए आगे बढ़ो कौन सा प्राइस लेना चाहिए सर अगर आप ह्यूज कैपिटल से ट्रेड करते हैं और ट्रेड को कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रखते हैं तो ऑलवेज आपको आई ही लेना चाहिए ठीक कम पैसे से लेते हो स्कैल्पर हो तो बताया उसका सेलर्स जानबूझकर कई बार मार्केट को साइज वेज लेके जाते हैं ताकि बायर्स का टाइम वैल्यू का पैसा खा सकें अच्छा आप पूछ सकते हो टाइम वैल्यू का पैसा जो घट रहा है सर कहां जा रहा है ये कहां जा रहा है कौन लेके जा रहा है कौन लेके जाएगा शुरुआत में बताया था हम दो ही पार्टियां हैं यहां पर